आज हमारा तीसरा दिन है जहां पे हम लोग नवंबर 2022 दैट इज इवेंचुअली दिसंबर 2022 का आरटीपी डिस्कस भी कर रहे हैं और डिस्कशन के साथ साथ हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका लॉ का जो पेपर है दैट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, तो सिर्फ कंसेप्चुअली चीजों को समझ के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपका लर्निंग भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए एंड द वे यू हैव प्रेजेंटेड द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो मेक्स एन इक्वलेंट, यू नो इट प्लेज एन इक्वलेंट रोल इन द ओवरऑल मार्क्स दैट यू गेट इन द एग्जामिनेशन। और इसीलिए हम लोग पिछले दो दिनों से, आज हमारा तीसरा दिन है, इसी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारे सवालों के जवाब जो है हम लिख कर ले रहे हैं। कल तक हमारे आई थिंक 12 क्वेश्चन हो चुके थे, आई थिंक इज इट ओके, हाँ तो कल तक हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके थे, अब आज 13 to 17 the remaining questions which are relating to LLP and Companies Act will be done today. So without even wasting a single minute, क्योंकि आज आपके लिए सबसे कीमती जो है वो वक्त है, हम लोग शुरुआत करते हैं। Very good afternoon to all my virtual students also. Okay, आ जाइए question number 13 पे, question number 13. एक यस डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट ऑफ एन एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। एक एक सवाल मैं आपको पूछूंगी, आप जवाब देते जाइए मुझे। पहली बात तो आपकी जो बुक्स आप बनाते हो एलएलपी एक्ट के अंदर, ओके, डू यू मेंटेन इट ऑन अक्रूअल बेसिस, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री, और साथ साथ आपकी ये जो भी बुक्स रहती है, ये रजिस्टर्स रहते हैं, डू यू कीप इट एट द एलएलपीज रजिस्टर्ड ऑफिस, अरे हाँ है ना, तो आप अक्रूअल बेसिस पे साथ साथ में आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो और ये सारी बुक्स जो होती है यू कीप इट एट द एलएलपीज रजिस्टर्ड ऑफिस, यही सारे आपके रजिस्टर्स और रिटर्न्स जो रहते हैं डू यू हैव टू फाइल इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी विद इन हाउ मेनी मंथ्स, within a period of 6 months from the end of the financial year, beta phone rakho na, question dekh rahe ho kya, okay, within a period of 6 months from the end of the financial year, aur isi ko sign kiya jayega by all the designated partners, अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, कोई बता सकता है फॉर्म नंबर क्या है जो आप फाइल करते हो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी के साथ? ई फॉर्म नंबर 8 है, ई फॉर्म नंबर 8, ओके, चलो राइट इट डाउन, दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन के जब आप आंसर्स देते हो स्ट्रेट अवे 1, 2, 3, 4 उससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर मेंटेनिंग 2 मार्जिन्स, जो भी आंसर आप लिखते हो सबसे पहले आप आंसर नंबर लिखना, तो दिस इज आंसर नंबर 13, अगर आपने आंसर का नंबर नहीं दिया है, ओके, दोज आंसर्स आर नॉट चेक्ड, तो ये हैबिट में होना चाहिए आपके, लिखिए आंसर नंबर 13, पॉइंट नंबर 1, द एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स relating to the affairs of each year, relating to its affairs of each year of its existence, on accrual basis, and according to actually accrual or cash dono basis allow kiya hoga, on accrual or cash basis aise likh do, on accrual or cash basis, on accrual, please correct it,
on accrual or cash basis, and according to double entry system of accounting, and according to double entry system of accounting, double entry system of accounting, and shall maintain the same, and shall maintain the same. Gagan, I am on question number 13. And shall maintain the same at the registered office of the LLP. At the registered office of the LLP. At the registered office of the LLP. Point number 2. Every LLP shall. Every LLP shall, within a period of 6 months, within a period of 6 months from the end of the financial year, from the end of the financial year, prepare a statement of accounts prepare a statement of account and solvency for the said financial year in e-form 8 for the said financial year in e-form 8 and such statement shall be signed by the designated partners. And such statement shall be signed by the designated partners. Next, every LLP shall file this statement with the ROC. Every LLP shall file this statement. Every LLP shall file this statement with the registrar. With the registrar. Or a last point, DJ. Point number 4. The accounts of LLP shall be audited. The accounts of LLP shall be audited in accordance with the rules prescribed. In accordance with the rules prescribed. In accordance with the rules prescribed. Acha, LLP Act mein bohat sare amendments aaye hai is bar. Okay? Aur isi LLP Act ka revision as well as amendment class maine already liya hai. If you all were not available that time, this lecture is uploaded on YouTube. Isi channel pe jahan pe abhi aap ye lecture dekh rahe ho. Theek hai? To agar aapne nahi dekhe amendment class ko, या अगर आपने एलएलपी का और कंपनीज एक्ट का रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है, मेक इट श्योर यू ऑल आर वाचिंग इट टुडे इटसेल्फ, क्योंकि एलएलपी के ऊपर इंस्टीट्यूट एक सवाल तो पूछता ही है और कंपनीज एक्ट के ऊपर भी दो सवाल तो इंस्टीट्यूट पूछता ही है. ओके, तो दोनों का मिला के 60 में से अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स वेटेज इज ऑफ एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट. सो मेक इट श्योर आप रिविजन लेक्चर और अमेंडमेंट क्लास देख रहे हो और अमेंडमेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट कम से कम एक सवाल तो पूछता ही है. बिकॉज यही जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, उसी से इंस्टीट्यूट को पता चलता है कि आपने बदलते लॉ के साथ अपना भी नॉलेज अपडेट किया है या नहीं. सो आर यू प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, इस सवाल का जवाब इंस्टीट्यूट को आपको इन सवालों के जवाब से मिलने वाला है.
जो अमेंडेड प्रोविजन के ऊपर पूछे गए, क्योंकि बाकी सारे प्रोविजंस तो सेम ही है, जो रिपीटर बच्चा है उसके लिए भी, जो नया बच्चा है उसके लिए भी, बट जो अमेंडमेंट है वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो मेक इट श्योर यू हैव सीन एंड लर्नड ऑल दोज प्रोविजंस व्हिच आर कंटेनिंग द अमेंडमेंट्स. ठीक है, ओके. देखा है आप लोगों ने, सबने अमेंडमेंट क्लास? यस और नो? नहीं ना? क्यों नहीं देखा बेटा अभी तक? टाइम निकालना पड़ेगा ना. अरे हाँ कि नहीं? आज देखोगे? पास होना है ना, तो देख लेना आज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A transport company wanted to obtain licenses for its vehicles, but could not obtain the licenses if applied in its own name. अगर अपने खुद के नाम पे अप्लाई करती तो उसको लाइसेंस नहीं मिलता. It therefore formed a subsidiary company, and the application for the license was made in the name of the subsidiary company. मतलब आप क्या subsidiary company के separate status का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? बोलो ना. आपको पता है आपके नाम पे अगर आप license के लिए apply करते तो आपको license grant नहीं होता, तो आपने अपने नाम पे license apply नहीं किया. आपने आपके मतलब के लिए एक दूसरी company incorporate करी और इसी कंपनी को अपना सब्सिडरी बना दिया, और सब्सिडरी के नाम पे आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया. द व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर्ड टू द सब्सिडरी कंपनी. विल द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स? देखो, सेपरेट ट्रीट की जाएगी या एक ट्रीट की जाएगी, इस सवाल को, हाँ, इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. दिस क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. क्योंकि देखो, अगर कॉर्पोरेट व्हील होती है, हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, दो कंपनीज को क्या हम दो अलग अलग पर्सन मानेंगे? बट अगर आपने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है, हम इनको दो ना मानते हुए एक ही मानेंगे. सो बेसिकली वी आर डिस रिगार्डिंग the separate status of both the companies and we are treating them as one. यहाँ पे holding company ने subsidiary company का फायदा उठाया है. अपने नाम पे license apply करने से reject होने वाला था, तो दूसरी company incorporate करी, उसको अपना subsidiary बना दिया, उसके नाम पे license खरीद लिया, और plus सारे vehicles तो subsidiary को transfer किए जा रहे हैं और subsidiary company license के लिए apply करे. मतलब basically हम हमारा काम सब्सिडरी के थ्रू करवा रहे हैं गवर्नमेंट को धोखा देने के इंटेंशन से. हमारे इरादे कुछ नेक नहीं है यहां पे. हमने सेपरेट स्टेटस का गलत फायदा उठाया है. यहां पे कह दिया हम नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, हम हमारे अंडर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, उसके नाम पे करवा देंगे. क्या बट उसके नाम पे करवा पाओगे? आप शाणे तो लॉ मेकर डेढ़ शाणे. कह दिया कोई बात नहीं, करना ही कर लो. हम भी क्या करेंगे, इसी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे और इन दोनों कंपनीज को, पेरेंट को मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को, दो अलग अलग नहीं एक ही कंपनी को, एक ही कंपनी मानेंगे. और अगर हम इन दोनों को एक ही कंपनी मान रहे हैं, तो अगर लाइसेंस होल्डिंग को नहीं मिलेगा, सब्सिडरी को भी ये लाइसेंस नहीं मिलने वाला है. वी विल डू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एंड वी विल ट्रीट बोथ द एंटिटीज एज वन. हाँ, पक्का? चलो एक मिनट में आप लोग फैक्ट्स लिखोगे, जल्दी जल्दी. बड़ा क्वेश्चन है बट ज्यादा इमोशनल नहीं होना है. आई थिंक एक सेंटेंस में आप फैक्ट्स कवर कर पाओगे. ट्राई डूइंग दैट, कम ऑन, ट्राई डूइंग इट. वेरी गुड जितेश एंड केशव. जागृति एंड याश्वी, वेरी गुड, गुड अर्जुन. क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन चाहिए आपको? आरटीपी पे जाना पड़ेगा आपको.
आईसीआई के वेबसाइट पर जाओ, icii.org। गए icii.org पे, फिर वहां पे आप स्टूडेंट्स पे जाओ, स्टूडेंट्स पे उधर तीन लाइंस दिख रही है राइट कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर, स्टूडेंट्स पे जाओ, स्टूडेंट से बीओएस नॉलेज पोर्टल दिख रहा है, क्लिक ऑन दैट बीओएस। हाँ, फिर नहीं, बैक जाओ, बैक जाओ, बैक बैक बैक। हाँ बताओ, मैं खोल के देती हूँ। ओपन कर लो क्वेश्चन 14। हो गया क्या? लिख पाए क्या फैक्ट्स? कोई रीड करेगा क्या लिखा है फैक्ट्स में? आप रीड करोगे, बोलो। वेरी गुड, एक सेंटेंस में उसने सब कुछ कवर कर दिया कि कंपनी को लाइसेंस चाहिए था बट उसको लाइसेंस नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए उसने क्या किया, सब्सिडियरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसके थ्रू लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू। आई एम अज्यूमिंग एवरीवन हैज रिटन द फैक्ट्स। ओके, अब आप लिखने वाले हो द सेकंड पॉइंट। लिखिए, यूजुअली अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। Usually a company is identified separately from its members. This term is corporate veil. This term is corporate veil. But उसी पॉइंट को कवर करना है सेकंड सेंटेंस, उसमें सेकंड पॉइंट का सेकंड सेंटेंस। बट अंडर सर्टेन केसेस लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी law disregards the principle of corporate personality and treats two persons as one, next point number 3, when a subsidiary is formed to act as an agent of the principal company, it may be deemed to have lost its individuality, individuality, individuality in favor of its principal. वो थर्ड पॉइंट है ना आपका, उसका और एक सेंटेंस लिखो थर्ड पॉइंट का। इन सच केसेस कॉर्पोरेट वील इज लिफ्टेड एंड द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल
and the principal will be held liable for the acts of the subsidiary company. For the acts of the subsidiary company. Next point number 4. The facts in this case, the facts in this case are similar to the facts in this case are similar to Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. और क्वेश्चन कैसे पूछा है सुनो ना क्वेश्चन पूछा है विल द पेरेंट एंड द सब्सिडरी कंपनी बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स तो लास्ट पॉइंट आप क्या दोगे बिकॉज ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव या तो फिर आप लिख सकते हो हेंस वी मे कंक्लूड दैट द सब्सिडरी कंपनी एंड द पेरेंट कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स समझा क्या आपको लिखो लास्ट सेंटेंस हेंस वी मे कंक्लूड दैट हेंस we may conclude that the parent and the subsidiary company the parent and the subsidiary company shall not be treated as separate commercial units shall not be treated as separate commercial units next question number 15 abc private limited has been overstating overstating matlab zyada batana ओवरस्टेट एक की दो करना एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चा इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट द मियर पर्पस वाज टू अवॉइड टैक्सेस खर्चा ज्यादा बता दिया मतलब प्रॉफिट कम हो गया प्रॉफिट कम मतलब टैक्स कम मतलब आप टैक्स को अवॉइड करने के चक्कर में क्या खर्चा ज्यादा बता रहे हो However, there was no fraudulent intention. Should the corporate veil be lifted? अच्छा और एक सवाल corporate veil के lifting के ऊपर आया है. Same RTB में दो सवाल corporate veil के lifting के ऊपर institute ने पूछे. आपका intention क्या है? To avoid. हमने आपको एक case बताया था डिंचा मानिक जी पेटेट. आपको याद है वहां पे भी जो ये मानिक जी का इंटेंशन था वॉज टू अवॉइड टैक्सेस एंड दैट टाइम वी कंक्लूडेड किसी भी पर्सन का अगर इंटेंशन टैक्स कम करना है जिसके वजह से वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा तो गवर्नमेंट अपने साइड से गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या रेवेन्यू होता है इसी रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉरपोरेट व्हील की लिफ्टिंग कर सकता है यहां पे भी ये बंदे ने जो भी किया है वो क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर ज्यादा बता रहा है ताकि टैक्स कम हो क्या हम कॉरपोरेट व्हील की लिफ्टिंग कर सकते हैं भले ही कंपनी के डायरेक्टर्स का इंटेंशन फ्रॉड्यूलेंट नहीं है बट इससे हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा तो रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ रहा है ना आप फेक एक्सपेंसिस बता के टैक्स कम दे रहे हो ना तो यहां पर हम कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे और ये कांड जिसने भी किया है हम उसको सजा देंगे कंपनी को जेल में नहीं भेजेंगे ये बंदा जिसने ये कांड किया है उसको हम जेल भेजेंगे वी विल नॉट ट्रीट दैट पर्सन एंड कंपनी एज अलग अलग वी विल ट्रीट देम एज वन क्योंकि कंपनी खुद ऐसे कांड कर सकती है क्या
सत्यम का जब स्कैंडल आया, आपने किसको जेल भेजा? सत्यम लिमिटेड को भेजा या रामलिंगा राजू को भेजा? यहां पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने खुद होके ये कांड नहीं किया है, उसके डायरेक्टर्स ने ये काम किया है। तो इसीलिए हम, भले ही कांड कंपनी ने किया है बट सजा हम डायरेक्टर्स को देंगे। मतलब क्या, हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे। यस, लिखो फैक्ट्स, जल्दी जल्दी लिख दो एक मिनट के अंदर। क्या हुआ? जम रहा है ना? आंसर लिखना। ये रिटन प्रैक्टिस का बहुत इंपैक्ट आने वाला है, आप देखना। आ गया क्या? समझ गया आपको अभी से? Those who are with me in all the 3 days will really be benefited. फायदा होगा आपको, देखना। और जिंदगी में कुछ भी करो बट खुद को कभी चीट नहीं करना है। अगर आप ये लेक्चर्स नहीं देखोगे, अमेंडमेंट क्लास, रिविजन क्लास, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, नुकसान किसका होने वाला है? आपका। और आपके नुकसान में कुछ फायदा ही नहीं है आपका, उल्टा लोग फिर आपकी खिंचाई करेंगे। Then what's the purpose in doing all that? मतलब basically आप खड्डा अपने लिए ही खोद रहे हो, वैसी वो बात हो गई। So don't do that। कुछ ही दिनों की बात है, 19 दिनों की बात है। Okay, तो थोड़े कुछ दिनों पे आ गया है अभी, थोड़ा सा नींद को sacrifice करो, अच्छे से efforts लो, अच्छे से learn भी करो, revise भी करो, writing practice भी करो, आपको बहुत fruitful होने वाला है। इतने 6 महीने से आप मेहनत कर रहे हो, अब थोड़े पे आया है, हिम्मत मत हारो। एंड लेट मी टेल यू, दीस 19 दिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू पहले के 19 दिन। जब आप लोगों की बैच चालू हुई थी, मे बी अप्रैल में, जून में, स्टार्टिंग के 20 डेज वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अभी जो आपके 19-20 दिन बचे हुए हैं। आज से हर एक मोमेंट, हर एक पल इंपॉर्टेंट पल है। आपका हर एक एक्शन इज गोइंग टू कॉस्ट यू समथिंग और गिव यू समथिंग बैक इन रिटर्न। तो प्लान इट प्रॉपरली एंड यूज इट अकॉर्डिंगली। ओके, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अकाउंट्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो या लॉ कर रहे हो। कॉन्सेप्चुअली समझना, लर्न करना, प्रैक्टिस करना, राइटिंग करना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन 5-6 घंटे सोओगे, इससे कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, मर नहीं जाओगे, ठीक है? बट बाद में वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैं कर लेता, या काश मैं थोड़ा कम सोता। क्यों? अच्छा, मुझे ये रिग्रेट, आप 3 लाख रुपए खोने वाले हो क्योंकि ये 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा नींद, अरे सर्दी का मौसम है, अच्छा कंबल है, अच्छा बेड है, स्लीप वेल का 8 इंच का मैट्रेस है, क्या मैम नींद ही नहीं खुलती है, 1 घंटा और सो लेता हूं, 10 मिनट और, 10 मिनट और। वो बाद में वो 10 मिनट आपको 3 लाख रुपए कॉस्ट कर सकते हैं। सो 10 लाख कैसे बेटा? क्योंकि जब तक आप सीए बनोगे तब तक 10 लाख हो जाएगा, वैसा ना? हाँ वो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 10 लाख, बट आज के करंट डेट, अरे बाकी कुछ लेना देना ले, बस इसको ही जोड़ लो तो इससे लेना देना है आपको। सो डोंट लेट दैट हैपन विथ योर सेल्फ। अभी जितनी मेहनत करनी है दिन रात एक करके मेहनत कर लो। ये फेज बार बार नहीं आता है आपके लाइफ में, बिलीव मी, एंड दीज सैक्रिफाइसेस विल गिव यू अ लॉट बैक इन रिटर्न। शॉर्ट टर्म लॉस इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म गेन। ओके, बहुत फायदे की डील है ये। थोड़ा 15-20 दिन मेहनत कर लो, बाद में आप मजे में रहोगे। बाद में फेलियर एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ, आपको मेरे शब्द याद आएंगे। और जैसे लोग आपको ट्रीट करेंगे वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना। फर्स्टली कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट यू कुडंट क्लियर, और थोड़ा बहुत आप अपने आप को संभाल लोगे ना, लोग ताना देना छोड़ेंगे नहीं आपको। और बहुत गंदे ताना मारते हैं वो लोग, बहुत गंदा, जो नजरों से देखते हैं, जो बोलते हैं सामने पीठ पीछे,
not every child can accept that. We are not emotionally built to accept all these things. क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा है, आज तक कभी फेल ही नहीं हुए जिंदगी में. तो फेलियर एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है. वी आर नॉट दैट मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग. तो इट्स बेटर वी डोंट पुट आवर सेल्फ्स इन दैट सिचुएशन. कर लो जितनी मेहनत करनी है, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा पढ़ लेता, अच्छे से दे देता, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता, मैम के लेक्चर देख लेता तो क्या हो जाता था. और फेल होने ही वाले है तो अलग बात है, बट फिर आप उन बच्चों से दर्द पूछो जो 198 पे फेल हुआ है, 192 पे फेल हुआ है, 193 पे फेल हुआ है. आप सोचो 192 पे फेल हुआ है, दर्द ही अलग है. चलो 100-150 मार्क मिले तो पता ही हम लोग पास होने के एलिजिबल नहीं है, मतलब हमने मेहनत ही नहीं की है. इतना पास होके भी हमसे सब कुछ छीना जाता है ना, बहुत बुरा लगता है. सो डोंट टॉर्चर योर सेल्फ ऑन द रिजल्ट डे. अभी मेहनत कर लिया, थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, लेटर ऑन एवरीथिंग विल बी वर्थ इट, बिलीव मी. अपने आप को बस इमेजिन कीजिए, कभी अगर डिप्रेस भी हो जाते हो, आंख बंद करके बस इमेजिन कीजिए उस दिन को जब आपका रिजल्ट आया है और आपका रिजल्ट क्लियर हुआ है. अपने आप आपको वो एनर्जी मिल जाएगी, आपको किसी और की मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं रहेगी. यू ऑल विल बी सेल्फ मोटिवेटेड. ओके, सो व्हाट्स द लेक्चर्स, डू दिस राइटिंग प्रैक्टिस इफ यू हैव नॉट डन टिल नाउ. ओके, आ जाइए, लिखो. फैक्ट्स लिख दिए, लिखो. पॉइंट नंबर टू, corporate wheel is the concept wherein the members of the company are shielded from liability connected to the company's action. Liability connected to the company's action. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखिए. It is a legal concept whereby the company is identified separately. The company is identified separately from its members. Next, point number three. However, under certain circumstances, law disregards the principle of corporate personality. Which is the lifting of corporate wheel. Next point. In order to protect
in order to protect revenue slash tax? Revenue slash tax. Next point. In the given case, in the given case, the intention of the company was not fraudulent. The intention of the company was not fraudulent. The intention of the company was not fraudulent, but it had the intentions to avoid taxes. But it had the intentions to avoid taxes. Or ek last point likh dijiye. Hence, corporate veil will be lifted. Hence, corporate veil, V-E-I-L, corporate veil will be lifted hence corporate veil will be lifted. Aise sawal pucha, should the corporate veil of the company be lifted? Yes, corporate veil will be lifted. Utna hi question diya hai. Next, question number 16. A company registered under section 8, maine class mein bhi kaha tha, section 8 is one of the favorite sections of ICAI under Companies Act, NPO. So, a company registered under section 8 of Companies Act 2013 has been consistently making profits for the last 5 years after a major change in the management structure. Few members contended that they are entitled to receive dividends. Aap batao mujhe. Section 8 company ka dividend distribute kar sakti hai? In fact, they are prohibited from distributing dividend. Jo bhi profit kamaya hai, it shall be utilized for the furtherance of their objective. Can the company distribute dividend? If yes, what is the maximum percentage of dividend that can... Arre, ye kyun bola aapko pata hai kya? Confuse karne ke liye, aapko todne ke liye. Kyunki usually jab question ka question pucha jata hai, to aisa lagta hai ki iska jawab yes hai, fir kuch to percentage hai, but iska jawab straight away hai, the company is prohibited from distributing dividend. So percentage, what percentage, kuch nahi hai. Aap dividend de nahi sakte ho, 0%. Koi percent nahi hai dividend dene ka. So if yes, to hamara to yes hai nahi, hamara to no hi answer. What is the maximum percentage of dividend that can be distributed as per the provisions? Kitna shiddat se likha hai, as per the provisions of Companies Act 2013. Ye sirf aapko gumrah karne ke liye, aur kuch nahi. So please stay confident about the answer that you know. हमारा ऐसा होता है, हम बाकी सब बच्चे जो बोल रहे हैं ऐसा लगता है सही है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, खुद पे ही भरोसा नहीं है, ऐसा मत कीजिए. याद रखना, इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी पास होता है. तो आपका जवाब अगर अलग है, मोर चांसेस है कि आप पास होने वाले हो. Also to discuss this with the other regular matters, the company kept a general meeting by giving only a 14 days notice. So, dekho, general rule kehta hai, koi bhi general meeting ki notice dene ke liye 21 clear days ki length lagti hai. But section 8 company ko privilege diya gaya hai, 14 days ki notice di na, to bhi chalega. It is one of the advantages of a section 8 company. Section 8 companies ko bahut sare advantages hai. Aur one such advantage is, जनरल मीटिंग में मेंबर्स को जब ये लोग नोटिस देते हैं, 14 दिनों का दिया तो भी चलेगा, 21 डेज की उनको देने की जरूरत नहीं है. यहां पे कंपनी का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है ना.
तो एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रेट अवे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। लिखो पॉइंट नंबर वन, आंसर 16, पॉइंट नंबर वन लिखो। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड to its members. फर्स्ट पॉइंट को ही कंटिन्यू करते हुए लिखो, हेंस हेंस कंपनी का नाम ही नहीं लिखा है, हेंस इन द गिवन केस द कंटेंशन ऑफ द मेंबर्स The contention of the members the contention of the members to distribute dividend from profits earned to distribute dividends from profits earned is wrong To distribute dividend from profits earned is wrong. Next point. Also, a Section 8 company also. A Section 8 company ऐसे आवाज क्यों आ रही है माइक की? is allowed to call is allowed to call a general meeting is allowed to call a general meeting by giving a 14 days notice by giving a 14 days notice instead of 21 days notice instead of 21 days notice instead of 21 days notice and I guess there is one last question that is pending No limit private company क्या नाम दिया No limit क्यों नाम दिया पता है ऐसे No limit private company is incorporated as an unlimited company What do you mean by unlimited company
ऐसे कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं है, बट आप ही बताओ लायबिलिटी कब अराइज होती है? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू ओनली इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. सो नो लिमिट प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लैक्स. वन ऑफ द क्रेडिटर्स मिस्टर सैम्यूल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अ शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट. बाद में ऐसा कुछ हंसी मजाक नहीं होएगा एग्जामिनेशन में, जब इतने प्रेशर में रीड करोगे ना, अभी जैसे हंस रहे हो ना, रोगे तब. फॉर रिकवरिंग ऑफ हिज डेट अगेंस्ट नो लिमिट प्राइवेट कंपनी. क्रेडिटर ने मेंबर के अगेंस्ट केस फाइल किया, ऐसा हो सकता है क्या? अरे कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, जो भी लायबिलिटी अराइज हुई है क्या कंपनी के नाम पे अराइज हुई है? अरे बोलो ना, एसेट्स कंपनी की है, लायबिलिटीज कंपनी की है, स्यू करना है कंपनी के नाम पे है. आप मेंबर के नाम पे केस फाइल नहीं कर सकते. मिस्टर इनोसेंट has given his plea in the court that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether Mr. Samuel will be successful in recovering his dues from Mr. Innocent. Kya ye creditor is member ke against case file kar sakta hai? The answer to this question is no. Bhale hi company unlimited company hai, creditor jo hai वो मेंबर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है. ही विल हैव टू फाइल द केस अगेंस्ट द कंपनी ओनली. अगर कल जाके कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, लिक्विडेटर मेंबर से पैसा मांगेगा और पैसे लेके क्रेडिटर को देगा. क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते. एक मिनट के अंदर फैक्ट्स लिखो ना इस नो लिमिट का. एक मिनट का समय शुरू होता है अब. डन. लिखो रेफरेंस, मतलब सेकंड पॉइंट. एन अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच हैज नो लिमिट on the liability of its members, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, the liability of each member extends to the whole amount. The liability of each member extends to the whole amount of the company's liabilities. The liability of each member extends to the whole amount of the company's liability in case of shortfall during the winding up.
in case of shortfall during the winding up. Next point. Thus, as long as the company is a going on concern, thus, as long as the company is a going on concern, this amount cannot be called upon. This amount cannot be called upon. Next point. The creditors can start a legal proceeding for winding up of the company for their claims उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो द लिक्विडेटर विल देन कॉल द अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स एंड पे द सेम to the creditors. And pay the same to the creditors. Aur ek last ek do sentence likho. Thus, in the given case, Mr. Samuel hi likha hai na naam, Mr. Samuel, S-A-M-U-E-L. Thus, in the given case, Mr. Samuel cannot directly claim, his dues against the company. Cannot directly claim his dues from Mr. Innocent, not company. Cancel कर दो, बहुत गलत बोल दिया मैंने. एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला है मैंने? Mr. Samuel cannot directly claim his dues against Mr. Innocent लिखो. Against Mr. Innocent. Mr. Samuel जो है वो directly अपना claim जो है innocent से recover नहीं कर सकते, है ना? अभी सिर्फ 5 ही questions आज लिखे ना, 2.5 minutes. Scale ले लो और pencil ले लो. कोशिश करो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की. टाइम स्टार्ट्स, जल्दी जल्दी निकालो. फिर सारे कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं. योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ, कम ऑन, जल्दी जल्दी अंडरलाइन करो. पेन से मत करो बेटा, पेंसिल नहीं आपके पास, ठीक है? स्टेशनरी पे प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत करो यार. आप भी स्केल पेंसिल. आधा मिनट हो चुका है.
वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपने भी ये करना है घर पे और एग्जामिनेशन में। वन मिनट इज ओवर। आज तो ढाई नहीं, दो मिनट में सब हो जाना चाहिए, पांचों क्वेश्चंस। पहले दिन से दूसरे दिन पे आप इंप्रूव हुए थे, दूसरे दिन से तीसरे दिन पे और इंप्रूव होना है। दो मिनट में सब पांचों क्वेश्चंस का अंडरलाइनिंग हो जाना चाहिए, तो मैं मानूंगी। डेढ़ मिनट हो चुका है, आधा मिनट बचा है। कमॉन कमॉन, आधा मिनट, यू कैन डू इट। डन, क्या बात है, वेरी गुड। चलो चलो जल्दी। हो गया, लास्ट 10 seconds, लेट्स सी। दो मिनट के लिए 10 seconds, ढाई मिनट के लिए तो काफी है। लास्ट 5 seconds, डन। दो मिनट में कितने बच्चों का हुआ हैंड रेस? दो मिनट, हाँ मतलब दो मिनट के अंदर कितने बच्चों का हो गया? देखो, पॉसिबल है ना, प्लान किया तो सब कुछ पॉसिबल होता है। वही मैं आपको डे वन से बोलते आ रही हूँ। ढाई मिनट तो अभी तक हुआ नहीं है, दो मिनट कुछ तो सेकंड्स हुए हैं, बट ढाई मिनट तक तो हो ही जाना चाहिए सभी बच्चों का। ढाई मिनट अभी हुए, देखो, हाँ 30 seconds अप्रोक्सीमेट। बट उसके साथ साथ रिव्यू भी करना है जो कुछ भी आपने लिखा है। तो जब आप रीड करते हो, रिव्यू हो रहा है, अंडरलाइनिंग हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, अंडरलाइनिंग हो रहा है। सो दैट्स द स्पीड, अपना ओन पेस पे रीड कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मैंने आपको कहा है, वो 3 घंटे भी आपको माइंड में प्लान करने हैं कि आपको करना क्या है और कैसे आप आंसर लिखोगे, चेक करोगे, अंडरलाइन करोगे। इन दो सीरियाज इतने सिस्टमैटिकली जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। Nobody can stop you from clearing with good numbers. So that's how it should be. है ना? तो चलो, मुझे लगता है मैंने अपने साइड से मेरी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। Now it is up to you. Last 19.5 दिन remaining. ठीक है? अच्छे से prepare करो. Make yourselves, your parents and of course your teachers proud about it. Give your 100% and my wishes are always with you. God bless you all. And no matter what the result is, obviously my love for you will never go down. I'm always with you and for you. Jabhi bhi aapko support lage, you can always come to me, okay? And if it's possible, of course, jo log yahan pe baithe, after your examination get over, we'll go for a short trip, okay? तब मैं आपको पूछूंगी नहीं क्या सेक्शन है, कॉर्पोरेट विल क्या है। ठीक है, हम अच्छे से मजे करेंगे और जल्दी जल्दी हम इंटर में भी वापस से मिलेंगे। ठीक है, चलो, ऑफ कोर्स यस, चलो, वंडरफुल एक्सपीरियंस टीचिंग यू ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइनली मैंने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आपके जैसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं। ओके, सो सच में ऑफ कोर्स, मां कसम। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं आती जाती रहूंगी आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे प्लीज बेझिझक मुझे पूछना, ठीक है? डरो मत मुझसे। आपका कल के पेपर के लिए भी बेस्ट विशेस, मेक इट श्योर यू ऑल आर राइटिंग डाउन 100% ऑफ द पेपर नीटली एंड चेकिंग इट बिफोर सबमिटिंग द पेपर टू द एग्जामिनर। ओके, बेस्ट विशेस, थैंक यू।